Hello everyone and a very warm welcome to Siksha guys. We are here at session 8 of NABARD Answer Writing for phase 2. So guys, session 8 के अंदर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत सारे आंसर्स आए, बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम के ऊपर आंसर्स भेजे एंड दैट वॉज वेरी गुड. ऐसे ही आंसर्स भेजते रहें, रिव्यू आपको मिलता रहेगा एंड डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलेगी. आई डोंट नो आई शुड टेक द क्रेडिट और नॉट, बट कुछ आंसर्स बच्चे पर्सनली भी भेजते हैं जो ग्रुप में नहीं होते. और पिछले कई बच्चे ऐसे हैं, 5-7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगातार जितने अभी तक क्वेश्चंस दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, तो उन्होंने 8 के 8 लिखे हैं. आई शुड नॉट टेक द कंप्लीट क्रेडिट, बट बच्चों ने बहुत मेहनत की और मुझे ऐसा लगा कि उन बच्चों ने जिन्होंने, जो ये 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने पहला आंसर से लेकर के 8वें आंसर तक जो अभी तक क्वेश्चंस दिए हैं वो लिखे हैं, तो पहले और 8वें के मुकाबले मुझे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. चाहे वो स्कोर वाइज हो, चाहे वो आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे वो कंक्लूजन की बात हो, तो हर एलिमेंट में मेरे को तो देखो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है एंड डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट उसके अंदर मिलती है. रिव्यू अगर आप लेते हो ना अपने आंसर्स का, अपने फ्रेंड्स से भी आप रिव्यू ले सकते हो. फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स से रिव्यू ले रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप रिव्यू ले रहे हो तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें आपको मिल ही जाएंगे जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एवरीवन जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आप रिव्यू करें. आज मैं आपको सेशन के एंड में क्वेश्चन नहीं दूंगा, आज इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक उसका अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है? चलिए सेशन 8 को शुरू करेंगे एंड आंसर राइटिंग तो हम यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं, और जो नॉन एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर आधा पार्ट ऑब्जेक्टिव है ना, 30 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव के भी आने हैं ईएसआई और एआरडी से, तो नॉन मीडियम एमसीक्यू कोर्स है एग्रीकल्चर का. अगर आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपके लिए वर्थ कोर्स है. ओनली 300 रुपीज़ आपको कॉस्ट करता है आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट. तो नेचुरल फार्मिंग हमारा क्वेश्चन था, ओके? तो बेसिकली क्वेश्चन आपका था व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस. 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 600 वर्ड्स के अंदर लिखना था. तो सबसे पहले तो देखो, किसी भी क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसके बिना तो कोई आंसर बन ही नहीं सकता. अगर आपके आंसर के अंदर ये एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते, आपका आंसर इनकम्प्लीट है, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, जब तक ये स्ट्रक्चर में नहीं है. अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला कि किसी भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है तो 30 सेकंड्स आपने क्या करना है, 30 सेकंड्स आपने ये सोचना है कि आपने इस आंसर के अंदर स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखना है. इंट्रोडक्शन में मेरे को पता चल गया कि मैं यार नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा, ठीक है? बॉडी में मेरे को पता चल गया कि मैं प्रिंसिपल्स लिख दूंगा और मैं एडवांटेजेस लिख दूंगा, ठीक है जी? उसके अलावा कंक्लूजन के अंदर मैं भारत सरकार जो कर रही है या आगे क्या किया जा सकता है वो इसके अंदर लिख दूंगा, सजेशंस लिख दूंगा, ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को मेंशन कर सकता हूँ या सजेशंस को मेंशन कर सकता हूँ. ये आपका एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर इस आंसर के अंदर बनेगा. तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे नेचुरल फार्मिंग को. चलिए, ऑलराइट, तो नेचुरल फार्मिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल फ्री एंड लाइफ स्टॉक बेस्ड फार्मिंग साउंडली ग्राउंडेड इन एग्रो इकोलॉजी. इट इज अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक्स, अलाउइंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी. जो एनवायरमेंट के अंदर, जो नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, उसका आप ऑप्टिमम यानी कि अप्रोप्रिएट यानी कि एफिशिएंट यूज जो है वो कर रहे हो, ठीक है? उसके अंदर चाहे आपका जो माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज आ गए जो बेसिकली काम करते हैं आपके सॉइल एनरिचमेंट के अंदर, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में, जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी आपको हेल्प करती है. Now, natural farming holds the promise of enhancing farmers' income while delivering many other benefits. तो देखो, farmer income, जब भी हम sustainable agriculture की बात करते हैं, जब भी हम sustainability की बात करेंगे किसी भी field के अंदर, तो sustainability की बात कई बच्चे क्या करते हैं, जब भी sustainable या natural farming या sustainable farming की बात करेंगे ना, वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर focus डाल देते हैं कई बार कि environment के लिए अच्छा है.
तो क्या एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है तो वो फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए? आपने देखा है इंडिया कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जाता है, WTO के साथ भी जब हम बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ठीक है भैया, नेचुरल चीज़ों को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ठीक है, लेकिन हमें अपनी पॉपुलेशन जो एक मेजर सेक्शन है हमारी कंट्री के अंदर, उसको भी तो ग्रो करवाना है। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग की जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि फार्मर की इनकम को हम इंक्रीज कर रहे हैं वे अलॉन्ग विद द रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि फार्मिंग इंप्रूवमेंट, फार्मर की लाइफ इंप्रूवमेंट प्लस एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। ओके, और इससे आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस वगैरह आप कम करने की कोशिश करोगे। नेचुरल फार्मिंग जो है ये नेचुरल या इकोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर सस्टेन करती है, यानी कि आप बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। जो बेसिकली अभी नेचुरल और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस तो आपको नेचर में इन एंड अराउंड द फार्म ही मिल जाएंगे ना। अब जब हम इंडिया के एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडिया में नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, तो इंडिया में कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके ऊपर सरकार जो है फोकस करती है। सरकार कहती है कि 5 कॉम्पोनेंट है नेचुरल फार्मिंग के। इसको आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से लिख सकते हो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोट्स नेचुरल फार्मिंग थ्रू 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब एक बच्चे का मैं आंसर देख रहा था, ये बेटा कॉम्पोनेंट्स हैं यानी कि ये पार्ट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, दीज आर नॉट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाली ये कॉम्पोनेंट है। सरकार कहती है कि आप इन कॉम्पोनेंट्स को फॉलो करो, प्रिंसिपल एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो आंसर में आपसे प्रिंसिपल पूछा है, अगर आप इस कॉम्पोनेंट वाले पार्ट को प्रिंसिपल के अंदर डाल करके एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको 1 या 2 नंबर तो मिल जाएगा, बट आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट है। अब इसको आप अपने आंसर के अंदर इस तरीके से डाल सकते हो, जैसे एक बच्ची का आंसर बड़ा अच्छा आंसर जो मुझे लगा, जो बेस्ट आंसर मुझे लगा नेचुरल फार्मिंग का, टेलीग्राम के ऊपर आप जाकर के पढ़ेंगे, सोनल का आंसर है। तो जो जो एलिमेंट उल्टा मैंने एक्सप्लेनेशन में डाले हैं वो सारे एलिमेंट सोनल के आंसर में वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगेन अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कॉम्पोनेंट्स है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, देयर आर वेरियस कॉम्पोनेंट्स और देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब ये वाली लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सिर्फ ये 5 कॉम्पोनेंट्स को लिख देना है, बीजामृत, वापसा, जीवामृत, मल्चिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, और एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन करना चाहो तो इनको कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपनी मेन बॉडी के ऊपर लिखना है, कंपोनेंट मेरे से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, फिर भी अब देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बीजामृत, जीवामृत, वापसा, मल्चिंग, प्लांट प्रोटेक्शन में गया, ताकि अगर ये किसी और क्वेश्चन में आए या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, वो आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बीजामृत क्या आ जाता है, ये इंडिया का एक एंशियंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टेक्निक है। ये बेसिकली सीड्स और सीडलिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जो प्लांटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो रूट्स होते हैं ना सीड्स या सीडलिंग्स के, उसको फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीजामृत एक तरह का फर्मेंटेड सोल्यूशन होता है, जिसमें आप बेसिकली सीड्स या सीडलिंग्स को डिप करवाते हो। ठीक है, एंड इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और फंगस वगैरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स ना इसकी रूट्स को पूरे तरीके से कॉलोनाइज कर लेंगे ताकि फंगल अटैक ना हो। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए जो इनपुट लगता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 100 kg सीड्स के लिए बीजामृत प्रिपेयर करना है, 5 किलो काउ डंग, 5 लीटर काउ यूरिन, 50 ग्राम लाइम, 1 kg बंट सॉय, 20 लीटर वाटर, तो ये IBPS AFO वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नबार्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अगर कोई IBPS AFO का बच्चा ये लेक्चर्स को नहीं देख रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, कि ये तो फेज 2 के आंसर राइटिंग सेशन है तो क्या करने देखते। ठीक है, उसके बाद जीवामृत के ऊपर आ जाओ, और अगेन ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, और बेसिकली जो प्लांट रूट्स हैं, फॉइलेज हैं, उसके ऊपर भी। ठीक है जी, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी और जो अर्थवर्म्स वगैरह उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 10 kg ऑफ काउ डंग, 5 to 10 लीटर काउ यूरिन, 50 ग्राम लाइम, 2 kg जैगरी, 2 kg पल्सेस फ्लो, 1 kg अनकंटेमिनेटेड सॉइल एंड 200 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए।
उसके बाद मल्चिंग तो आप सब जानते ही हो कि आप सॉइल सरफेस को कवर कर देते हो। अब सॉइल सरफेस को आप दो तरीके से कवर कर सकते हो, या तो आप उसको लाइव क्रॉप्स से कवर करोगे, या आप जो स्ट्रॉ है, जो बेसिकली डेड प्लांट बायोमास है, आपने फसल काट दी, फसल काटने के बाद जो आपका स्टबल बच गया, जो स्ट्रॉ बच गया, उसको आप सॉइल से कवर कर सकते हो, ठीक है, या आप लाइव क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मल्चिंग आपको क्या हेल्प करेगा, मॉइस्चर को भी कंजर्व करेगा, सॉइल के टेम्परेचर को भी लोअर रखेगा, ठीक है, सॉइल इरोजन को भी अवॉइड करेगा क्योंकि वो सॉइल को बाइंड करके रखेगा। तो वाटर और एयर, विंड, दोनों से आपका इरोजन नहीं होगा। वाटर रन ऑफ को भी अवॉइड करेगा। वीड ग्रोथ के लिए भी काफी कम स्कोप इसके अंदर रह जाता है, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ मल्चीज होते हैं, क्रॉप रेजिड्यू मल्च और लाइव मल्च। क्रॉप रेजिड्यू मल्च मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आपने फसल काट दी, फसल काटने के बाद जो सूखी हुई घास बच गई या स्टबल बच गया, उसको आप यूज करते हो और सॉइल को कवर कर देते हो। और लाइव मल्च के अंदर क्या होता है, लाइव मल्च के अंदर आप मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हो या इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो, उसमें आप जो एज अ मल्च क्रॉप ग्रो करते हो वो जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, ठीक है, उसकी हाइट भी जो मेन क्रॉप होती है उससे कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप फील्ड के अंदर मोनोकॉटिलेडन क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो जो आप मल्च क्रॉप यूज करो वो डाइकॉटिलेडन यूज करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोनोक्रॉट ग्रो कर रहे हो वीट या राइस जैसे, अब जो ये वीट और राइस जैसे मोनोकॉट क्रॉप्स हैं, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे जैसे पोटैश, फॉस्फेट, सल्फर सॉइल को, और दूसरी तरफ डाइकॉट क्या सप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन। तो बेसिकली गिव एंड इनटेक का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, एक के न्यूट्रिएंट दूसरा यूज कर लेगा जो रिन्यू हो रहे हैं। वापसा क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, अब वापसा होता है कि बेसिकली जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें मिक्सचर ऑफ 50% एयर एंड 50% वाटर वेपर, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना या कैविटी है, उसके अंदर 50% हवा और 50% वाटर वेपर। तो एक तरह से हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, सॉइल के माइक्रो क्लाइमेट की, जिसके ऊपर बेसिकली सॉइल ऑर्गेनिजम्स और रूट्स जो होती हैं वो न्यूट्रिशन और मॉइस्चर के लिए डिपेंडेंट होती हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है, एक तो अगर आपका ये प्रॉपर 50% एयर और 50% वाटर वेपर वाला रेशियो आप मेंटेन कर रहे हो, तो वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहेगी रूट्स के लिए, माइक्रोब्स के लिए, और वाटर यूज एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज होती है, स्पेशली ड्रॉट जो एरियाज होते हैं वहां पर। प्लांट प्रोटेक्शन में फर्दर कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, और उसके बाद आपका दशापारनी अश्क, या जिसको काशाया भी कहा जाता है, या फंगिसाइड्स, ठीक है। तो ये बेटा ब्रह्मास्त्र की मूवी देख करके आए हो, तो एक दो तो इसको इसमें आपको अस्त्र भी मिल जाएंगे, जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र है ना। तो ये हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के कॉम्पोनेंट्स हैं अंडर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसको भी ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या है। नीमास्त्र बेसिकली क्या है, बेसिकली डिजीजेस वगैरह को प्लांट के अंदर क्योर करने के लिए, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, इंसेक्ट लार्वेज को किल करने के लिए, ठीक है, और हार्मफुल इंसेक्ट्स की रिप्रोडक्शन को भी बेसिकली ये रोक देता है। और इसके अंदर बेसिकली आप नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है। और इसके अंदर इनपुट क्या चाहिए आपको, 200 लीटर पानी, 2 किलो काउ डंग, 10 लीटर काउ यूरिन, 10 kg फाइन पेस्ट ऑफ नीम लीव्स, और आपका नीमास्त्र तैयार हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र ये कोई हथियार नहीं है, ये हथियार तो है लेकिन किसके अगेंस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। तो ये एक तरह का नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जिसको आप वेरियस लीव्स से प्रिपेयर कर सकते हो, जिन लीव्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक एल्कलॉइड्स होते हैं जो इन पेस्ट्स को रिपेल करते हैं, ठीक है, कैटरपिलर्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। एंड इसके अंदर बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज धतूरा लीव आप यूज कर सकते हो, कस्टर्ड लीव्स को आप यूज कर सकते हो, करंज को लीव्स, नीम लीव्स, काउ यूरिन एंड वाटर। अग्निअस्त्र ये बेसिकली जो भी सैप सकिंग प्लांट्स होते हैं लीव्स के और कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए 20 लीटर काउ यूरिन, 2 kg पल्प ऑफ नीम लीव्स, 500 ग्राम टोबैको पाउडर, 500 ग्राम ग्रीन चिली, 250 ग्राम गार्लिक पेस्ट एंड 200 ग्राम टर्मेरिक पाउडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। लास्ट में आ जाता है आपका दशापारनी अर्क, इसके बाद फंगीसाइड भी है एक। दशापारनी अर्क बेसिकली ये नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र का एक तरह का सब्सिट्यूट है, और इससे भी आप पेस्ट्स वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हो, इसकी मेकिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फंगिसाइड्स एक देखो जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, इसके अंदर हम प्रमोट करते हैं फंगिसाइड्स जो काउ मिल्क और कर्ड से प्रिपेयर किया जाता है, जो फंगस को कंट्रोल करने में जिसको काफी इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। ओके, तो वो पूछ सकता है कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर इनमें से किन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में से आप फंगिसाइड प्रिपेयर कर सकते हो, ऑप्शन ए काउ मिल्क, ठीक है, ऑप्शन बी काउ यूरिन, ऑप्शन सी काउ डिंग,
डंग, ऑप्शन डी कर्ड, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दी अबव, तो आपका ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग के, जो आपके बॉडी का पार्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग के अंदर अब क्या क्या आ जाएगा, अब कई बच्चों ने ना एडवांटेजेस घुसा दिए प्रिंसिपल के अंदर, वो मैं समझ सकता हूँ कि पॉइंट नहीं मिल रहे थे, पॉइंट नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या लिखें, तो वो एडवांटेजेस भी घुसा दिए। एडवांटेजेस अलग होते हैं, प्रिंसिपल अलग होते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं कि यार अगर कोई थ्योरी है साइंस की तो उसमें ये प्रिंसिपल फॉलो करने ही करने हैं, वैसे ही नेचुरल फार्मिंग के भी प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है जी, तो नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो माइक्रोब्स हैं, जो जिसको आप बोलते हैं माइक्रोबायोम जो है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्योंकि सॉइल हेल्थ को मेंटेन करेगा, प्लांट हेल्थ को मेंटेन करेगा, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, तो पूरे का पूरा जो माइक्रोबायोम है सॉइल का वो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद सॉइल में भी कवर्ड विद क्रॉप्स फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर। नेचुरल फार्मिंग ये नहीं कहता कि जमीन को खाली छोड़ दो, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भाई कल्टीवेशन करके लैंड को खाली छोड़ दो ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिन्यू हो जाए, ऐसा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग क्या कहता है कि भाई करते जाओ कल्टीवेशन, मैक्सिमम पीरियड पूरे साल करो कल्टीवेशन। सॉइल अक्रॉस अ फार्म और लार्जर फील्ड कलेक्शन ऑफ फील्ड शुड हैव डाइवर्स क्रॉप्स, अ मिनिमम ऑफ 8 क्रॉप्स ओवर द ईयर। तो ये क्या कह रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। ये कह रहा है कि देखो क्रॉप पूरा साल लगाओ, लेकिन ये नहीं है कि एक के बाद एक आप सेम क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, अब डाइवर्सिफाई करो, अब मिनिमम उस लैंड के ऊपर मिनिमम 8 क्रॉप्स लगाओ साल में अलग अलग। अब आप कहोगे कि सर ये 8 क्रॉप्स कैसे हो सकती हैं, सीजन तो 3 है इंडिया में। बेटा वो जो क्रॉप के अंदर आप मल्चिंग वगैरह के लिए मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, दो क्रॉप्स लगा रहे हो एक साथ, है ना, तो वो 8 क्रॉप उस तरीके से हो जाती है, दो लगा रहे हो या 3 लगा रहे हो। ठीक है, एक मोनोकॉट लगा दिया, एक डाईकॉट लगा दिया, है ना, ताकि डाइवर्सिटी रहे। सॉइल की मिनिमल डिस्टर्बेंस रहेगी नेचुरल फार्मिंग के अंदर, टिलेज इसके अंदर नहीं होगी, या करनी भी होगी तो बिल्कुल शैलो टिलेज होगी, डीप टिलेज इसके अंदर नहीं की जाएगी। ठीक है, ताकि सॉइल लूज ना हो। एनिमल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे नेचुरल फार्मिंग के अंदर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, और जो एनिमल वेस्ट होगा उसको आप फर्दर एज अ नेचुरल रिसोर्स यूज करोगे। सॉइल माइक्रोबायोम हेल्दी रहना चाहिए, ठीक है, सॉइल के अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर को रिटेन करेंगे, एनहेंस करेंगे। ठीक है, बायो स्टिमुलेंट्स को भी ऐड किया जाएगा ताकि जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करे। ठीक है, इंडिया के अंदर तो देखो वैसे ही बहुत स्कोप है, आप बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट्स को यूज कर सकते हो, एनिमल डंग और यूरिन जो है उसको फर्मेंट करके आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो, अपने सॉइल को हेल्दी बना सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद अमाउंट एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू आप उसके अंदर इंक्रीज करें, जैसे कि काउ डंग, कंपोस्ट, अलग अलग ऑर्गेनिक रेजिड्यूज को इंप्रूव करें, क्योंकि आप देखते हो कि ऑर्गेनिक रेजिड्यूज के अंदर भी, चाहे वो काउ डंग है, चाहे वो कंपोस्ट है, चाहे वो पोल्ट्री वेस्ट है, चाहे वो एनिमल वेस्ट है, जो भी है उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो आप सिर्फ एक के ऊपर स्टिक मत रहो कि मुझे सिर्फ काउ डंग यूज करना है, आप जितना हो सके उतना ज्यादा डाइवर्स उसको करें। पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज फॉलो करेंगे, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बोलते हैं हम। बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करें, जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनको बनाया जाता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अदर बायोसाइड्स विच आर हार्मफुल उनको नहीं अलाउ किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के अंदर। तो ये आपके प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाला। ये आपके बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनको आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो, यील्ड इंप्रूव करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, कम करेगा फार्मर के लिए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। बेटर हेल्थ फार्मर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। फार्मर के लिए कैसे बेटर हेल्थ है, हम बहुत सारे केसेस देखते हैं ना कि भाई पेस्टिसाइड यूज करते हुए फार्मर्स दे वेंट अनकॉन्शियस एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू डेथ, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं विच आर वेरी डेंजरस, है ना। तो यहाँ पर तो हम नेचुरल चीजें यूज करने की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ जो है बेटर फार्मर के लिए भी होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए तो होगी ही होगी। उसके अलावा लाइफ स्टॉक सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करेगा, केमिकल इनपुट को एलिमिनेट कर देगा, वाटर कंजम्पशन बचेगी। ठीक है, क्योंकि आप जो है प्रॉपर नेचुरल फार्मिंग के अंदर, हमने देखा ना कि भाई वापसा के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, सॉइल एयर और मॉइस्चर की बात कर रहे थे, सॉइल हेल्थ रेजुविनेट होगी। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन प्रमोट होगी इसके अंदर, नेचुरल फार्मिंग के अंदर, एंड ऑल राइट। ओके, अब देखो ये पोस्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के हेल्थ इंपैक्ट देखो, 27% हेल्थ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है जी, 17% न्यूट्रिशन में इंप्रूवमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीवर एंड इलनेस में 20% कमी आई, नॉन कम्युनिकेट एनसीडी इज गेटिंग स्टेबिलाइज्ड 7%,
इम्प्रूवमेंट इन डाइजेशन कैपेसिटी आपको 9% से देखने को मिली, तो काफी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद कंक्लूड कर सकते हो नेचुरल फार्मिंग इंडिया की बात कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग इंडिजिनियस फॉर्म्स में आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, एंड सबसे पॉपुलर आंध्र प्रदेश के अंदर है बेटा, ठीक है, एंड अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इट इज स्प्रेडिंग। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है थ्रू नेचुरल फार्मिंग, थ्रू भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। अगर आपके आंसर के अंदर ये स्कीम का जिक्र नहीं है तो आपका आंसर अधूरा है, ठीक है। आपके अगर आंसर में ये स्कीम नहीं है तो आपका आंसर अधूरा है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग का उसने क्वेश्चन ही इसीलिए फ्रेम किया है। ये बेसिकली सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना की, जो ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग को एनकरेज करती है। जून 2018 में आंध्र प्रदेश देश की पहली स्टेट थी जिन्होंने 100% नेचुरल फार्मिंग अचीव करने का टारगेट सेट किया है 2024 के अंदर। उसके अलावा इस बार के बजट के अंदर नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बजट में सरकार ने बोला कि हम नेचुरल फार्मिंग को पूरे देश में प्रमोट करेंगे, और इनिशियल जो फोकस होगा वो होगा जो फार्मर लैंड गंगा रिवर के जो कॉरिडोर है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, सबसे पहले फोकस उनके ऊपर रखेंगे। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में ये भी बोला कि जो स्टेट्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस चेंज करें, ताकि नेचुरल और जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा ICAR ने भी एक कमेटी बनाई है जिसमें सिलेबस और करिकुलम जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो दिस कैन बी द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर। ओके, तो ये एक पूरा सीक्वेंस चलेगा, एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि 600 वर्ड्स के अंदर आपका एक बहुत प्यारा आंसर निकल करके आएगा। अभी भी जिन बच्चों ने आंसर नहीं लिखा है वो वीडियो देखने के बाद भी आंसर लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो। एंड प्लीज़ गाइस, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप वीडियो देखने आते हो चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको अच्छा ही नहीं लगा फिर तो सब्सक्राइब करके क्या करोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये काम का है और मैं देखने आता हूँ वीडियो इसके ऊपर रेगुलर, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना फ्रेंड्स वगैरह के साथ, क्योंकि विल बी एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग इन दैट मैनर, है ना, क्योंकि एक एनकरेजमेंट तो डेफिनेटली हमें चाहिए ही। एंड किसी को अगर स्पीड से प्रॉब्लम हो कि सर लेक्चर थोड़ा फास्ट जाता है, तो उसको भी आप मुझे बताएं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। मैं फास्ट थोड़ा सा इसीलिए बनाता हूँ, मुझे खुद को भी पता है कि मैं YouTube का जो सेशन लेता हूँ वो मैं फास्ट लेता हूँ। जनरली जब हम क्लासेस के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो शायद हम थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन जब हम YouTube के ऊपर चलते हैं तो हम थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चलते हैं क्योंकि YouTube के ऊपर मैं बैंग ऑन एक टॉपिक को पकड़ता हूँ, और जब हम बैंग ऑन एक टॉपिक को पकड़ते हैं मेरा मोटिव ये रहता है कि आप फटाफट से बस मिनिमम टाइम में उस टॉपिक को ख़त्म करो। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या बहुत ज़्यादा स्लो बीच में फालतू की बातें करना जो है इसके अंदर बेहतर नहीं समझता, ठीक है, और उसके चक्कर में कई बार शायद थोड़ा स्पीड भी फास्ट हो जाता है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।